दमोह जिला मुख्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा इस धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों के विषय में जानकारी ली गई, तो वहीं उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनका समर्थन किया गया। इस दौरान जहां आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित किया गया, तो वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के द्वारा मिले समर्थन पर आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। और आम आदमी पार्टी इसकी पक्षधर है कि संविदा होना चाहिए, लेकिन ये छलावा नहीं होना चाहिए न धोखा होना चाहिए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अभी कोरोना के टाइम पर राज्य सरकार क्या पूरे केंद्र सरकार इनको देवदूत कहती थी कि ये देवदूत हैं, ये कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर हैं, तमाम तरह की उपाधियां दे रही थी और आज राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। अभी भोपाल में या अन्य और जिलों में जिस तरह से पुलिस ने संविदा कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, उसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। भारत माता की इनकलाब जिस प्रकार से आज संविदा स्वस्थ कर्मचारी 17-18 दिन से बैठे हुए हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार दिनोरा पीटती है कि हम किस गरीब और कर्मचारी के पक्ष में फैसले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, देखिए महंगा पानी सस्ता खून, ऐसा आपने कर दिया। इन्होंने एक अपने खून से पत्र लिखा, इन पे लाठी चार्ज क्यों की जा रही है? दूसरी बात, इनकी मांग जायज है, आपके ही आदेश है। जून 2018 में हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को सब समाज सब कर्मचारी सभी के हित में फैसला लेने वाले कहते हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला दमोह, आम आदमी पार्टी जो हमारे पंडाल में आकर बैठी, हम लोग की पीड़ा को समझा, क्योंकि आज हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 17वां दिवस है। हमारे पंडाल में और हम लोग को सभी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग की मांग जो है वो जायज है। शासन प्रशासन बस यहाँ थोड़ा हम लोग के लिए नरम नहीं है, बाकी हमारे जनप्रतिनिधि मीडिया कर्मी और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके संरक्षण हम लोग कार्य करते हैं, वो भी मानते हैं कि हम लोग की मांग जायज है। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 15-15, 20-20 साल से उसी विभाग में साथ में उसी पद पर, एक हमारा बाजू में नियमित पद के कर्मचारी काम करता है और एक संविदा काम करता है, एक ही बिल्डिंग में एक ही काम, लेकिन सैलरी में अंतर, सुविधाओं में अंतर, ऐसा क्यों? हमारी सभी मांगों का सभी लोग समर्थन करते हैं। आज आप हमारे पंडाल में आए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला दमोह के सभी साथी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, आप भी देख रहे हैं, हम लोग की अनिश्चितकालीन हड़ताल का 17वां दिवस है, हम लोग की मांग जायज है। हम लोग केवल 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने हम लोग की पीड़ा को समझा, उनने हमारी मांगों का समीक्षा की, उनने जाना कि उनकी मांग वास्तव में जायज है और उन हमारी जायज मांगों का समर्थन करने के लिए हमारे पंडाल में आए। हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला दमोह और प्रदेश कार्यकारिणी से ही बोलेंगे कि हम आम आदमी पार्टी का बहुत बहुत आभार करते हैं, स्वागत करते हैं कि उनने हमारी पीड़ा को समझा। उनने बोला है कि जिस प्रकार पंजाब में संविदा कर्मचारियों कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है, वो भी हम अपनी मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इन संविदा कर्मचारियों को भी जल्द से जल्द नियमित किया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। शिवराज सरकार विगत 15 सालों से संविदा के नाम पर शोषण कर रही है, युवाओं का शोषण, जिस उम्र में उनको रोजगार और नियमितीकरण का रोजगार देना चाहिए, वहां पर छलावा से और अपनी चाणक्य के नीति से उनको संविदा शब्द लगा के उनको उनके पूरे जीवन का शोषण करती है और 20 साल के बाद बगैर बातचीत किए चुपचाप ये कह देती कि अब आपकी नौकरी समाप्त होती है। इसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है, इसका बहिष्कार करती है और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने
संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया। 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इस बात को प्राथमिकता से संविदा कर्मचारी सब भी मध्य प्रदेश से समाप्त किया जाएगा, सभी को नियमितीकरण किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।